अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मोहतरम नाज़रीन और सामईन कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे नाज़रीन इक राम रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर एक फजीलत वाली बड़ी ज्यादा अहमियत वाली शान वाली रात है जिसको लैलतुल कदर कहा जाता है बहुत सारे लोग उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं कोशिश करते हैं तो आए जानते हैं कि वो रात कौन सी होती है कौन सी वो ऐसी निशानियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि फलां रात लैलतुल कदर है तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो देखना शुरू करते हैं और एडवोकेट फैसिया साहब की जुबानी सुनते हैं अब शब कदर कब आती है ये भी आप देख ले या जान ले शब कदर जो है रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है याद रखिए ऑड नाइट्स में से कोई एक नाइट है ताक रातों से मुराद ऑड नाइट्स तो ये आखिरी अशरे में आती है तो आखिरी अशरे में जो ताक रातें आती है वो कौन कौन सी है इक्कीस की रात तेईस की रात पच्चीस की रात सत्तावीस की रात और उनतीस की रात इन पांचों रातों में से कोई एक रात शबिर कदर या लैलतुल कद्र है याद रखिए ठीक अब बहरहाल कद्र कदर कद्र की जो कुछ अहमियत हमारी नजरों में है जैसे तैसे हम उसको मनाते हैं वो इस हद तक है कि इसको हम पांच रातों में से कोई एक रात नहीं बल्कि एक रात तय करके मनाते हैं और वो रात कौन सी होती है सत्ताईस की रात सवाल ये है कि नबी अकरम वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी इस रात को तलाश करते रहे सहाबा रज़ी अल्लाह अजमैन पूरी जिंदगी इस रात को पांच रातों में तलाश करते रहे तावन ता, तबा ताविन इमाम सलफ़ साल मुफसरिन मोहद्दिन इस रात को पांच रातों में तलाश करते रहे ये बड़ी ताजुब की बात है कि बर सगीर में हिंदुस्तान पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हमको पहले से मालूम है कि ये सत्ताविस को है मतलब नबी अक्रम सल्हे वसलम की बात ना पता चल सकी साहबा उसको पांच रातों में तलाशते रहे ताबईन तब ताबईन सलफ सालीन उसको तलाशते रहे और यह एक अजीब इतफाक है कि हिंदुस्तान में हमें पहले पता चल गया कि वो रात जो है सत्ताविस को आती है लिहाजा हम उसको सत्तावीस को मना लेते हैं और इतमान हो जाता है कि हमें वो रात मिल गई और हम बदनसीबों से निकल कर जो है खुश नसीब बन गए इसलिए कि एक बदनसीब से ही रात छीनी जाती है तो अंदाजा लगाइए क्या ऐसा हो सकता है जो बात नबी को ना पता चले सहाबा को ना पता चले ताबेन तब ताबिन के इल्म ना हो उस जमाने के बाद हमें पता चल जाए कि वो रात कब हो सकती नहीं नहीं उस रात की कुछ निशानियां हैं सही बात है। बहुत तफसली बयान तो नहीं उन निशानियों का लेकिन निशानियां हैं नबी अक्रम वसल्लम ने एक सहाबी को एक मरतबा कहा जब आपने पूछा कि अल्लाह के तो रसूल शब शबरू कैसे मैं मालूम करूं कैसे तलाश करूं तो कहा उस रात बारिश होंगी जोरदार बारिश होगी ऐसी बारिश होंगी कि जब तुम सजदा करोगे तो तुम्हारा सर पे जो है कीचड़ लगेगा मतलब मस्जिद में पानी टपकेगा और वो कहते हैं कि मैं सत्तेवीस की रात जो है नमाज पढ़ रहा था और बारिश ज़ोर से हुई मस्जिद नबी की छत खजूरों की उसकी पत्तों की थी पानी टपका और जहां मैं सजदा कर रहा था वहां बूंदे टपक रही थी जिसकी वजह से जब मैंने सजदा किया तो मेरी पेशानी पर जो है वो मिट्टी कीचड़ की शक्ल में लग गई तो यहाँ तो सत्तेवीस के बारे में भी आता है इक्कीस के ताल्लुक से भी आता है सत्ताईस के ताल्लुक से भी आता है लेकिन हमने उसको फिक्स कर लिया नहीं सत्तावीस है अच्छा चलिए सत्तावीस भी आपने मान ली तो इसको कैसे मनाया जाएगा बताइए मुझे सत्तावीस को भी अगर आप मान लेते हैं कि रात है तो कैसे मनाया जाएगा ज़हर सी बात अल्लाह को खुश करके उसकी इबादत करके जिक्र और अस्कार करके तिलावत कुरान करके क्याल करके ये तरीका होना चाहिए ना जी नादिनकर एडवोकेट फैसै साहब की वीडियो आपने देखी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज के साथ बताया कि लैलतुल कदर की निशानियाँ क्या हैं बहुत सारे लोग सत्ताईसवीं रात को खास कर लेते हैं ये कोई बात नहीं है ऐसा किसी हदीस के अंदर नहीं आया बल्कि अल्लाह के अरसूल ससरम के जमाने के अंदर एक मतबाब तेईसवी रात लैलतुल कदर थी एक मतबबा इक्कीसवीं रात लैलतुल कदर थी तो ये कोई कायदा नहीं है कि सताइसवी रात ही यानी लैलतुल कदर है फिर उसी को इबादत करना है बाकी इक्कीसवीं तेईसवीं पच्चीसवीं और उनतीसवीं रात को बिल्कुल यानी कोई इबादत नहीं करनी और सोया रहना है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज